बुरहानपुर के प्रसिद्ध शायर शिक्षक डॉक्टर जलील उर रहमान आज हकीमा स्कूल बुरहानपुर की सेवा से सेवानिवृत्त होने पर विदाई समारोह और उनकी पुस्तक खादिमे कुलियात को मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी भोपाल से 2023 का बासित भोपाली स्टेट अवार्ड मिलने पर सम्मान समारोह का संयुक्त आयोजन हकीमिया स्कूल हॉल में राष्ट्रीय पत्रकार मोर्चा के प्रदेश महासचिव और प्रभारी मुख्य संगठक मुल्ला तफजुल हुसैन मुलायम बाला की अध्यक्षता और डॉक्टर जलील बुरहानपुरी की विशेष उपस्थिति में हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि मुल्ला तफजुल हुसैन मुलायम बाला, डॉक्टर जलील उर रहमान, हकीमिया स्कूल के प्रिंसिपल अफरोज हाजी, पत्रकार इकबाल अंसारी और हुसैना मैडम मंचासीन रहे। हकीमिया स्कूल बुरहानपुर के NCC ऑफिसर और शायर तफजील ताविश मुफ्ती ने डॉक्टर जलील बुरहानपुरी की शख्सियत के अहम पहलुओं पर रोशनी डालकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उसके बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना नाम रखने वाले राष्ट्रीय पत्रकार मोर्चा के महासचिव और प्रभारी मुख्य संगठक मुल्ला तफजुल हुसैन मुलायम बाला ने अपने बाल सखा और हकीमिया स्कूल के शैक्षणिक स्टाफ से सेवानिवृत्त हुए शिक्षक डॉक्टर जलील बुरहानपुरी के जीवन पर विस्तार से अनसुने पहलुओं पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि तफजुल हुसैन मुलायम वाला ने कहा कि आज मेरे मित्र प्रसिद्ध शायर शिक्षक लेखक के रूप में डॉक्टर जलील उर रहमान ने देश विदेश में बुरहानपुर के साथ साथ हकीमिया स्कूल का नाम रोशन किया। उनको उनके द्वारा किए गए कार्य हम सबके लिए हमेशा प्रेरणादायक रहेंगे। इस अवसर पर शेख रईस पत्रकार, मोहम्मद वसीम पत्रकार सहित हकीमिया और कादरिया इंग्लिश स्कूल के संपूर्ण टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ मौजूद रहा। इसलिए है कि वो लोगों को बहुत सारी शायरियाँ सुनाते हैं, तो मेरा भी यही मकसद था कि आज मैं उनको शायरी सुनाऊं और सबको बताऊं कि मतलब स्कूल छोड़ने के बाद वो भूले ना, जब भी स्कूल को जरूरत पड़ेगी आएंगे वो, ऐसी उम्मीद करते हैं। बुरहानपुर से शकील खान की रिपोर्ट।